यूपी में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा से लेकर निकाय तक के चुनाव, ब्राह्मण वोट बैंक की अहमियत हर चुनाव में देखने को मिलती है। बीएसपी चीफ मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के प्रयास के बाद अब लगातार सपा की ओर से ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए प्रयास तेज दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा खबर ये है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने को लेकर फैसला कर चुकी है और ये उम्मीद है कि बलिया से इसकी शुरुआत की जाएगी। खुद अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ये उम्मीद है कि सपा की ओर से यहाँ कोई बड़ी योजना भी घोषित की जाए। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सपा के 5 ब्राह्मण नेताओं के कंधों पर रखी गई है। पिछले चुनाव में ब्राह्मण वोटर्स को बीजेपी के पाले में माना गया था, लेकिन जिस तरह से यूपी में ब्राह्मण सीएम योगी से नाराज हैं, उसको देखते हुए सपा बड़ा दांव खेलने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले इस समाज को अपने साथ करने के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। बीएसपी के बाद अब सपा द्वारा ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करने का प्लान है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, मनोज पांडे, पवन पांडे और सनातन पांडे को ब्राह्मण सम्मेलन की जिम्मेदारी दी है। खास बात यह है कि ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत 23 अगस्त को टाउन डिग्री कॉलेज के मैदान बलिया से होने की संभावना है। ब्राह्मण सम्मेलन में पूर्वांचल समेत प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं का जमावड़ा होगा। इसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। पूर्व विधायक सनातन पांडे ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी सरकार की तानाशाही से लोकतंत्र खतरे में है, ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है। इस संबंध में अखिलेश यादव की ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक हुई, तय किया गया कि इस तानाशाही को रोकने के लिए ब्राह्मणों को आगे आना होगा। 23 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य सभी नेता मौजूद रहेंगे। सपा नेता सुशील कुमार पांडे ने कहा कि जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है, राज्य में ब्राह्मणों के उत्पीड़न की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस समाज को संगठित करने के निर्देश दिए हैं। इसकी शुरुआत बलिया की धरती से करने का निर्देश दिया गया है, ताकि ब्राह्मण बिरादरी को एकजुट कर उनका उत्पीड़न रोका जा सके।